आतंक को सेना का फिर से मुंह तोड़ जवाब। बडगांव में जहन्नुम भेजे गए दो आतंकी। मारा गया लश्कर का आतंकी कमांडर अबू माज। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स लश्कर का आतंकी कमांडर अबू माज है। आज तड़के ही कश्मीर घाटी के बडगांव में सुरक्षा बलों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। लश्कर का आतंकी कमांडर अबू माज का पूरा नाम हिलाल अहमद था और ये 2015 से घाटी में आतंक फैलाने का काम कर रहा था। लश्कर का ये आतंकी कमांडर अबू माज कुलगाम के यारीपोरा का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को बुधवार तड़के बडगाम के गोपालपोरा चडोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों से खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया, जिसमें लश्कर का कमांडर अबू माज भी शामिल था। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बडगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच में हुई मुठभेड़ में लश्कर का प्रमुख कमांडर अबू माज मारा गया। अबू माज और उसका साथी गोपालपोरा में एक घर में छुपे थे, जब उस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने की और वहां पर इस इनकाउंटर में दोनों लश्कर मिलिटेंट मारे गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने खतरनाक हिजबुल आतंकवादी हिलाल अहमद राठेर को मार गिराया था। वहीं कुलगाम में 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। राठेर ने पिछले साल लश्कर ए तैयबा के खतरनाक आतंकवादी नवीद जट को भागने में मदद की थी। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।